गुड इवनिंग भाइयों, पिजन लवर एकेडमी में आप सब भाइयों का स्वागत है। और भाइयों, आज आपके साथ में गर्मियों में होने वाली जो प्रॉब्लम्स कबूतरों की, कबूतर दाना कम खाते हैं, वेट कम कर लेते हैं, आगे लकवे में आ जाते हैं, मौसम बदलते ही तरह तरह की बीमारियां आने शुरू हो जाती हैं। तो भाइयों, इसके लिए हमारे पास दो तरह के मल्टीविटामिन हैं और मैं आपके साथ वो मल्टीविटामिन शेयर करने लगा। तो भाइयों, वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, चीज़ों को समझ लीजिएगा। दोनों मल्टीविटामिन आपके बहुत काम के हैं, उड़ानों में और गर्मियों की बीमारियों में आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आप भैया से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिए, चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये पहला मल्टीविटामिन जो आप देख रहे हैं आपके सामने है, RBC रेड। भाइयों, जब हम अपने कबूतरों के पर खींच देते हैं और पर खींचने के बाद उनको एक अच्छी खुराक की जरूरत के साथ साथ उनके बॉडी के अंदर जो ब्लड की कमी आ जाती है, उसके करके बहुत से भाइयों के कबूतर ना सही तरह से पर निकाल पाते, बीमार हो जाते, सुस्त हो जाते, उड़ानों में पूरी तरह जोर नहीं लगा पाते और देखते देखते ही पूरी गेम ख़राब हो जाती है। और ऐसा हर साल भाइयों के साथ होता है। उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जो हम सप्लीमेंट दे रहे होते हैं उसमें फॉलिक एसिड नहीं होता, और सबसे बड़ा रीज़न यही है। और ये मल्टीविटामिन जो मैं स्पेशली लेके आया हूँ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैंने पर नहीं खींचे। तो भाइयों, ये मल्टीविटामिन आपके कुत्तों के अंदर की ताकत, खून ब्लड पूरा कर देगा। आप ये देखिए, इसमें जिंक है, फॉलिक एसिड है, ठीक है, और ये बहुत सारी बीमारियों के लड़ने के भी लायक होते हैं जो अच्छे मल्टीविटामिन होते हैं। होता क्या है, हमारे कुत्ता धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाते हैं। जब हम पर खींचते हैं तो हमें लगता है कि हम तो बहुत अच्छी खुराक डाल रहे हैं, लेकिन जब उनके गुल्ले निकलने शुरू होते हैं, यानी जब उनके पर आने शुरू हो जाते हैं थोड़े थोड़े से, तो लगभग 22 से 25 दिन बाद हमें लगता है कि यार इनके पर वैसे नहीं आ रहे जैसे हमें चाहिए थे। उनके परों में खून कम होता है, लाली कम होती है, सभी परों में लाली बराबर नहीं होती, और वही जो पर जिनमें लाली कम होती है, जिनमें खून कम होते हैं, वो पर आगे जाके ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और कुछ भाइयों के पर गिर भी जाते हैं। तो भाइयों, ये मल्टीविटामिन आपने यूज़ करना है, जिन्होंने मेरे भाइयों ने पर पटाई की हुई है, कबूतरों के गुल्ले आ रहे हैं। आप हफ्ते में 3 से 4 दिन 5 ml 100 कबूतर के हिसाब से। तो भाइयों, ये एक सस्ता मल्टीविटामिन है और होल सेल से ये बहुत ही सस्ता मिल जाता है। इसका रेट 150 रुपये है, यानी ये बोतल ही आपकी, ये बोतल ही यूज़ होगी, इसके अलावा और कोई बोतल नहीं यूज़ होने वाली। भाइयों, आप इतना महंगा दाना लाते हो, फ़ौरन से दाना मंगवा रहे हो, इतने पैसे लगा रहे हो, लेकिन जो इंडियन चीज़ है उसे भूल जाते हैं। 150 रुपये की बोतल है, और ये पूरी बोतल नहीं लगेगी, क्योंकि आपके पास 50 कबूतर भी हो गए तो आप उसमें सिर्फ 2.5 ml डालेंगे, तो इसमें 200 ml है। भाइयों, इस बात को समझिए, अगर 50 कबूतर भी खींचे और आप 2.5 ml भी डालते हो, ठीक है ना, तो भी आधी बोतल आपकी बच जाएगी, और आपने जोड़े वालों को, बाकी कबूतरों को, बच्चे जब निकले हैं उन्हें डाल सकते हैं। तो ये मेरा पहला मल्टीविटामिन था, और मैं आपके साथ वो मल्टीविटामिन शेयर करने जा रहा हूँ। भाइयों, जब कबूतर हमारे गर्मियों में सुस्त हो रहे हैं, दाना प्रॉपर नहीं खा रहे हैं, वेट गिराते जा रहे हैं, और गर्मियों में भाइयों के बहुत ही प्रॉब्लम आती है, मौसम बदलते ही कबूतर खाना पीना कम कर देते हैं, उनके अंदर की ताकत कम हो जाती है, उस टाइम वो मल्टीविटामिन हमने देना है। और वो देने का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें क्या क्या कंटेंट है। आप वीडियो को भाइयों प्लीज़ गौर से देखिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा, और प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे बहुत से भाई वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप चैनल नहीं सब्सक्राइब करते। हम अब एक शौकीन बंदे के लिए तो यार ये काउंटिंग भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि वही से प्यार दिखता है, वही से जो लाइक्स आते हैं। तो आप भाइयों, आप दूसरी वीडियो, दूसरा मल्टीविटामिन देखिए, अब एस्ट्रो मल्टी सर देखिए, इसमें आप कंटेंट देखिए, पहले आप कंटेंट देख के आपका दिल खुश हो जाएगा, आप कहोगे वाकई में ये मल्टीविटामिन बहुत ही, आप देखिए इसमें कितना कुछ है। ये मल्टीविटामिन आप उड़ानों में यूज़ करेंगे, और जिस मेरे भाई के कबूतर ढीले हो रहे हैं उनके लिए भी ये मल्टीविटामिन है, और उसका रीज़न है इस मल्टीविटामिन को यूज़ करने का, ये एंटीऑक्सीडेंट सीरप। एंटीऑक्सीडेंट होने करके कबूतर के अंदर की सारी गर्मी आप कह सकते हो, या एनर्जी जो है पूरी करता है या बाहर निकाल देता है गर्मी, और इसके अंदर एनर्जी के, आप देखिए इसमें एनर्जी है, विटामिन है,
कार्बोहाइड्रेट्स है जो उड़ानों में बहुत काम आता है। और आपने आपको यूज़ कैसे करना है भाइयों, ये आप प्लीज़ गौर से देख लीजिएगा वीडियो को अच्छी तरह से। बहुत से भाई मैसेज करके बोलते हैं, कई बार मेरे पास भी टाइम नहीं होता और मेरे भी आजकल काम धंधे के दिन हैं, जिस करके मैं बहुत से भाइयों को रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ सही टाइम पर। तो भाइयों प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन टाइम मिलते ही मैं आपको मैसेज ज़रूर करता हूँ। अब इसको यूज़ कैसे करना है भाइयों, सबसे पहले तो जो कबूतर बीमार हो रहे हैं 5 ml 100 बढ़ के हिसाब से आपने देना है, और जो सिंगल कबूतर को देना है तो 4-4 बूंदें आप दिन में 2 बार दे सकते हो। जो उनसी मेडिसिन यूज़ करें उसके साथ आपने ये देना ही देना है। और गर्मियों में इसके आपके कबूतर फिट रहेंगे, वेट भी गेन करेंगे और वीकनेस में भी नहीं आएंगे। अगर आपके कबूतर ढीले हो रहे हैं, ब्रीडिंग करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, तो गर्मियों के लिए मट्टी विटामिन बेस्ट है। अब उड़ान के बाद कैसे करना है यूज़ भाइयों, जब कबूतर आपका उड़ के आ रहा है और जो आपके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हो, दाने से पहले आपने इसको 4 बूंदें देनी है उस कबूतर को। अब अगर आप उठ के आने के साथ ही देना चाहते हैं तो उसमें कोई इतराज़ नहीं है, कबूतर आपके सामने सारी गर्मी निकाल देगा, पूरा अंदर से साफ़ हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कबूतर उठ के आया, आप ORS का पानी दे रहे हो या जो भी पानी उसको रेडी करके दे रहे हो, आप उसी में 4 बूंदें सिर्फ डालनी, और 4 बूंदों से ज़्यादा ना हो भाइयों, इस बात का ख्याल रखना। और वरना 5 ml 100 बढ़ के लिए मल्टी विटामिन सही तरीके से यूज़ कीजिए, और ये सस्ते मल्टी विटामिन है। और अगर आप इसका प्राइस देखेंगे ना तो इसका प्राइस 170 है, फिर मैं वही कहूँगा महंगी चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो, 170 है इसका प्राइस है। और होलसेल मार्केट से ये आपको 60 रुपये का मिल जाएगा, और ये सच कह रहा हूँ, होलसेल मार्केट से आपको 60 से 80 रुपये में मिल जाएगा अगर आप ज़्यादा लेते हो। एक तो नहीं वो चलो इतना सस्ता देते हैं, अगर आप 3 लेते हो, भाई मिल के ले सकते हैं सामान, अगर मिलके 2-3 छतों पे सामान यूज़ होता है तो आप समझ सकते हो कि अगर 170 का एक मिलना और आपको 170 में 2 मिल जाए तो और आपको क्या चाहिए। यानी कबूतर की उड़ान की कॉस्टिंग, उसके संभाल की कॉस्टिंग कितनी कम हो गई। तो भाइयों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया।